नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आया तो नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन। हम देख लेते हैं दाल अंडा तड़का रेसिपी। ये मैंने एक कप दाल को पानी में अच्छी तरह से धो लिया था और इसमें 2 से 3 कप पानी डाला है। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। ये 1 चम्मच थोड़ा हम तीखा बनाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा हल्दी पाउडर, ये नमक 1 चम्मच, और इसको हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे और 2-3 सीटी के लिए हम उबाल लेंगे। ये देखिए अभी बॉयल हो चुका है। हम इसे इस कंसिस्टेंसी में इस तरीके से, ज़्यादा हमें उबालना है नहीं, हम उबाल लेंगे। अभी एक कढ़ाई मैंने बिठा दिया है गैस के ऊपर। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल, 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। देखिए 2 से 3 बड़ा चम्मच डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। तेल अभी थोड़ा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हम डालेंगे अभी साबुत जीरा 1 छोटा चम्मच ले रही हूँ मैं। यह है प्याज कटा हुआ प्याज 1 ले रही हूँ। इसको हम डाल देंगे और इसको हम ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच, और इसको भी हम इसका जो स्मेल रहता है कच्चे स्मेल उड़ने तक उसको थोड़ा ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसमें डाल दिया है मैंने 2 हरी मिर्च। अभी 2 अंडे को मैंने तोड़ के रख दिया था, इसको भी हम डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहें तो इसमें आप थोड़ा और लाल मिर्च डाल सकते हैं, हल्दी और मसाला पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैं तीखा बनाना नहीं चाह रही हूँ इसीलिए मैंने नहीं डाला। आप थोड़ा तीखा बनाना चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैंने अभी नमक डाला इसमें, थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए अंडे अभी हमारा भुर्जी जैसा बन गया है। अंडे अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अगर आप मेरा दूसरा रेसिपी देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आ रहे पेज पर क्लिक कीजिए और दूसरा रेसिपी वगैरह चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए कि इंग्रेडिएंट्स का मैं डिटेल दे चुकी हूँ, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें जो उबला हुआ दाल था उसको डाल दिया और इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। देखिए इस गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, लास्ट में हमें गरम मसाला डालना है, डाल के इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए एक से दो मिनट हो चुका है। अभी देखिए दाल अंडा तड़का रेडी है खाने के लिए। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।